हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा हिंदी का पाठ है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? एक ही अर्थ का बोध कराने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि सबका अर्थ एक समान है, एक ही अर्थ होता है उनका, और इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जिनका अर्थ सबका एक जैसा होता है। अब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं, जो शब्द दिए गए हैं और उनके तीन तीन पर्यायवाची दिए गए हैं, तो हम उनको बुक से पढ़ेंगे। अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, गुरु, कृषक, किसान, काश्तकार, खेतीहर, राजा, नरेश, नृप, महिपाल, पुत्र, सुत, बेटा, आत्मज, विद्वान, पंडित, सुधी, मनीषी, सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर, चंद्रमा, चंद्र, मयंक, सुधांशु, पृथ्वी, धरती, धरा, वसुधा, बादल, मेघ, घन, जलद, समुद्र, सागर, सिंधु, नदीश, स्वर्ग, देवलोक, सुरलोक, अमरपुरी, पवित्र, पावन, शुद्ध, शुचि, सुंदर, मनोरम, मंजू, चारु, पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी, आशा, आस, उम्मीद, मुराद, इच्छा, चाह, कामना, लालसा, आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, उन्नति, विकास, वृद्धि, उत्थान, इनाम, पुरस्कार, सम्मान, पारितोषिक, दूध, पय, दुग्ध, शीर, रात्रि, रात, निशा, रजनी, दुख, कष्ट, वेदना, पीड़ा, साहस, निडरता, निर्भयता, बहादुरी, गंगा, सुरसरी, भागीरथी, जानवी, इंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश। तो यहाँ पर इस तरह से पर्यायवाची, आपको तीन तीन पर्यायवाची सबके पढ़ने हैं अपनी किताब से। अब हम यह मौखिक एक्सरसाइज देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। आशा, इसका लिखा है मैंने आस, उम्मीद, आनंद, हर्ष, खुशी, राजा, नरेश, नृप, बादल, मेघ, जलद, अध्यापक, शिक्षक, गुरु। इसमें आप तीन तीन कर लेंगे, मैंने यहाँ दो लिखे, आप तीन तीन कर देंगे। लिखित, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, इसमें दो दो लिखने हैं। दुख, कष्ट, पीड़ा, सुंदर, चारु, मनोरम, समुद्र, सागर, सिंधु, उन्नति, विकास, उत्थान, दूध, पय, शीर। प्रश्न दो, रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखकर के वाक्य परिवर्तन करना है। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमको पर्यायवाची लिखना, फिर पूरा सेंटेंस वापस उतारना है। बुआ ध्रुव के लिए पुस्तक लाई, बुआ ध्रुव के लिए पोथी लाई, अनुराग ने गंगा में स्नान किया, अनुराग ने भागीरथी में स्नान किया, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, बिल्ली ने सारा शीर पी लिया, राधा की कामना डॉक्टर बनने की है, राधा की इच्छा डॉक्टर बनने की है, बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हैं, बगीचे में रंग बिरंगे मनोरम फूल खिले हैं। इस तरह से हमको उसको पर्यायवाची लिख करके और वाक्य वापस से लिखना है। प्रश्न तीन, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द पर सही का निशान लगाइए। कौन सा सही है तो उसी पर हमको लगाना है। शिक्षक, विद्वान, ये सही नहीं है। इच्छा, आस, ये सही है। पृथ्वी, वसुधा, सही है। खेतीहर, आत्मज, ये सही नहीं है। पुस्तक, पोथी, ये सही है। इनाम, पारितोषिक, ये भी सही है। रात्रि, अंधकार, ये सही नहीं है। साहस, निडरता, ये सही है। सुरसरी, जलपरी, ये सही नहीं है। सूर्य, भास्कर, ये सही है। तो जो सही है उस पर मैंने यहाँ राइट के निशान लगा दिए हैं। तो ठीक, इसी तरह से आपको इस पार्ट को पूरा अपनी किताब से पढ़ना है और पूरी एक्सरसाइज को किताब के अंदर फिलअप कर लेना है।